हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राम से स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। दोस्तों अभी तक मैंने आपको पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक कवर अप करवा दिए। आज आपने पॉलिटी के आप इससे पहले जितनी वीडियो थी आपने सब कुछ सारी वीडियो अच्छे ध्यान से देखी होंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है? कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्य है, उसके चुनने की प्रक्रिया क्या क्या होती है, जिस उससे रिलेटेड जितने भी आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के पॉइंट आज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। उन सब पॉइंटों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जितने भी आपके वनडे एग्जाम में, जिससे कि आपका कोई भी एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है? तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज हम राष्ट्रपति के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में जो हमको मिलता है अनुच्छेद, वो हमको संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के संविधान 61 तक संविधान के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, ठीक है ना? जिसमें कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, आपके राष्ट्रपति के पद से। अनुच्छेद 53 संबंधित है उसकी राष्ट्रपति कार्य कार्य एवं शक्तियों से। अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, यानी कि उसकी चुनाव की प्रक्रिया से। अनुच्छेद 55 संबंधित है उसके चुनाव की क्या 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 प्रक्रिया होगी उससे। अनुच्छेद 56 संबंधित है राष्ट्रपति के कार्यकाल से। अनुच्छेद 57 संबंधित है पुनर्निर्वाचन से। अनुच्छेद 58 संबंधित है राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। और 60 संबंधित सदस्य और 61 संबंधित है महाभियोग से, ठीक है? तो हम इन सभी सभी अनुच्छेदों को यहाँ पे डिटेल में, यहाँ पे इन सबका इन सभी को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति के पद की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रपति के पद के बारे में, राष्ट्रपति के पद वैसे अगर पूछा जाए तो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका अमेरिका से, ठीक है ना? यूएसए से लिया गया है। देखिए राष्ट्रपति के पद के बारे में भाग संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 में जिक्र मिलता है, ठीक है ना? और जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रपति का पद को भारत का प्रथम नागरिक भी, यानी कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं, ठीक है? फिर इसका अगला आता है दोस्तों, इसकी कार्य एवं शक्तियां हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पूरी पूरी डिटेल में, ठीक है ना? पहले हम पढ़ते, ठीक है, सीधे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत क्या होता है, ठीक है ना? उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, मतलब क्या, सॉरी, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है, जिसमें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं उस मैं उनके बारे में यहाँ बताया गया। देखिए सिर्फ दोस्तों, देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए और इसमें ध्यान रखिएगा, इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, यानी कि वर्ड मीन्स यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है। सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में वही सदस्य भाग लेंगे जो कि निर्वाचित होकर के आते हैं, जो कि चुनाव चुनाव को फेस करके हैं, चुनाव लड़ के आते हैं। सिर्फ वही सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। मनोनीत जो सदस्य नॉमिनेट होते हैं, यानी कि मनोनीत होते हैं, वह है सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो एक तरीके से ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ वही मेंबर जो इलेक्ट, यानी कि जो निर्वाचित होकर के आते हैं, यानी कि जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, सिर्फ वही सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है ना? पहला क्या है आपके, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा क्या है आपके, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरे हैं आपके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और चौथे हैं आपके दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी क्या है, एक केंद्र क्या है, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और ये दो ही ऐसे केंद्र, दिल्ली और पुडुचेरी दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी क्या है, विधानसभा है, ठीक है ना? विधानसभा मतलब आप जानते हैं कि जो केंद्र शासित जो होते हैं प्रदेश होते हैं, वहाँ पे सिटी से रूल किसका होता है, यानी कि कहें तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार का रूल होता है, ठीक है? पर दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे राज्य हैं, या हम कहें कि दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, ठीक है? तो ये चार कंडीशन है, लोकसभा के मेंबर होंगे जो इलेक्ट होकर आए, राज्यसभा के मेंबर होंगे इलेक्ट होने वाले, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर होंगे, और आपके दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर विधानसभा के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है ना? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे विधान परिषद और मनोनीत, जैसे मैंने आपको बताया था, विधान परिषद और मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते, क्योंकि देखिए विधान परिषद में के देखिए विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग क्यों नहीं लेते, क्यों जैसे आप जानते हैं, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती है ना? जैसे मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था आपको कि विधान परिषद का क्या है, एक तरीके से ऑप्शन दे रहे हैं, कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद को अपने राज्य में रख सकता है, कोई राज्य चाहे तो विधान परिषद को अपने राज्य में नहीं नहीं रख सकता। अगर ऐसे अगर हम विधान परिषद के मेंबर भी अगर अगर इसमें भाग लेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ राज्यों को
राष्ट्रपति के चुनाव में ज्यादा पावर मिल जाएगी, कुछ को कम मिलेगी जहां पे विधान परिषद नहीं है। तो इसलिए विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। और दूसरे मनोनीत सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ना कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो वह सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ठीक है, अब देखिए, अब समझिए दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि राष्ट्रपति के को चुनने की प्रक्रिया क्या होती है, और जो कि बताया गया किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताई गई आपके अनुच्छेद 15 में, ठीक है ना, सॉरी अनुच्छेद 55 में। देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें एक तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा, ठीक है, इसमें सिर्फ देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, हम जानते हैं कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मंडल के द्वारा, यानी कि जिन लोगों को हम चुनते हैं उनके द्वारा होता है। जैसे कि हम जानते हैं, देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या हो गया, डायरेक्ट चुनाव, यानी कि देखिए डायरेक्ट वोटिंग, यानी कि जिन जिन मेंबरों को हम सीधे सीधे चुनते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। यानी कि हम, जैसे कि आप जानते हैं कि हम वोट में, जैसे कि हर 5 वर्ष में हमारे हमारे देश में चुनाव होते हैं या राज्य में चुनाव होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम अपने सीधे MPs MLA चुनते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव हो गया वो, क्योंकि हम जनता जिनको सीधे चुनती है वो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को जनता सीधे सीधे यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, राष्ट्रपति को जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी कि हमारे द्वारा जो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, MPs MLA होते हैं, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, है ना, यानी कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्शन, क्योंकि हम इनको डायरेक्टली नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, यानी कि जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव किस कैसे होता है, यानी कि वोटिंग किस टाइप से होती है। देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा, जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, जैसे कि आप वोट करने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमको पता ही होता है कि कई सारे हमको जैसे कि ऑप्शन दिए होते हैं, तो हमको वहाँ क्या होता है कि एक ही ऑप्शन टिक करने का हमको ऑप्शन होता है कि हम किसी एक को ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ ऐसा होता है, पर देखिए जो हमारे यानी प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वहाँ तो ऐसे होता है कि हम सिर्फ एक को ही वोट कर सकते हैं। ठीक है, पर देखिए यहाँ क्या होता है, इसका मतलब समझिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि अनुपात में प्रतिनिधित्व कि एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा। देख, पर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी कंडीशन नहीं होती। इसमें क्या होता है, जितने मेंबर खड़े होते हैं ना, तो उनको क्या होती है, उनको एक रैंक, उनको जो लोग उनको चुनते हैं उनके द्वारा एक रैंक प्रिफेयर की जाती है, उनको उनको यानी कि रैंक दी जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो वोटिंग होती है वो ऐसी होती है कि बस माना, जैसे कि माना 4 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ABCD, इसमें आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा कि सिर्फ आपने चाहा तो कि एक कि बस ए को वोट कर दिया, इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं होता, आपको है रैंक, इसमें आपको रैंक देनी होती है, यानी कि रैंक प्रिफर करनी होती है कि आपकी, देखिए रैंक प्रिफर मतलब कैसे करनी होती है कि माने देखिए मेरी पहली पसंद कौन है, माने मेरी पहली पसंद बी है, तो मैं पहली रैंक किसको दूंगा, बी को दूंगा, दूसरी पसंद मेरी अगर ए है तो मैं दूसरी रैंक किसको दूंगा, ए को दूंगा, अगर मेरी तीसरी पसंद डी बन गई है तो तीसरी किसको दूंगा, इसको दूंगा, और चौथा मेरा कौन होगा ऑप्शन, यानी कि मैं चाहता हूँ कि पहले पहला जो मेरा ऑप्शन है, यानी कि जो पहली जो मेरी पसंद है, मैं चाहता हूँ कि बी राष्ट्रपति बने। अगर अगर सपोज भाई अगर बी नहीं बनता है तो फिर जो मेरी सेकंड चॉइस है वो क्या है कि ए राष्ट्रपति बने, तीसरी चॉइस मेरी क्या है कि डी राष्ट्रपति बने, और चौथी चॉइस मेरी क्या है कि सी राष्ट्रपति बने। ठीक है ना, तो इस टाइप से होता है, इसको हम बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, यानी कि इसमें क्या होती है, इसमें सिर्फ एक को ही नहीं वोट दिया जाता, इसमें हमको सबको रैंक देनी होती है कि हम किस किस नंबर को, किस उम्मीदवार को किस नंबर पे देखना चाहते हैं। ठीक है ना, उसके अनुसार देखिए, अब देखिए इसका अगला आता है, निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य बराबर नहीं होता, यानी कि जो लोग उनको चुनते हैं, है ना, यानी कि हमारे हमारे द्वारा जो चुने गए MPs और MLA जो राष्ट्रपति को चुनते हैं उनकी सबकी वोट वैल्यू बराबर नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा ना। कहीं पूछे अगर आपसे मंडे मंडे एग्जाम पूछे कि आपसे मंडे एग्जाम में पूछ ले कि निर्वाचन मंडल के प्रति राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य का मत क्या बराबर होता है, तो नहीं, मत बराबर नहीं होता। ठीक है ना, तो देखिए मत देखिए वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमारे द्वारा जो चुने गए MPs MLA हैं उनकी वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, उनकी वोट वैल्यू डिपेंड करती है उस राज्य की जनसंख्या पर, जिस राज्य का कोई सांसद यानी कि MP है, तो जिस क्षेत्र का वो MP है उस क्षेत्र की जनसंख्या के पे
और एमएलए भी सेम, जिस क्षेत्र का वो एमएलए है उस क्षेत्र की जनसंख्या के बिहार पे उस राज्य उसकी वोट वैल्यू डिसाइड होती है उस राज्य के आधार पर। देखिए वोट वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए मत का मूल्य निकालने की प्रक्रिया देखिए क्या थी दोस्तों। देखिए अगर माना एक विधायक यानी कि एक एमएलए की अगर वोट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए उसके लिए क्या क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, अगर हमको एक विधायक की वोट वैल्यू निकालनी है तो हमको उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं, ठीक है, यानी कि उस राज्य की जो टोटल टोटल पॉपुलेशन कितनी है वो, और अपॉन में राज्य विधानसभा के कुल मेंबर यानी कि उस राज्य के कुल जो मेंबर है विधानसभा के वो कितने हैं, ठीक है, वो गुणा अपन 1/1000 से उसकी गुणा कर देते हैं, ठीक है, भाग कर देते हैं। जैसे कि माना मान लीजिए किसी राज्य की अगर कुल जनसंख्या माना हमने ये मान ली 1 लाख है, ठीक है ना, 1 लाख है, तो अगर माना उस राज्य के कुल विधान विधानसभा के जो कुल मेंबर हैं वो कितने हैं, वो माना हमने वो माने कि जो माने 20 हैं, ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई राज्य की कुल जनसंख्या, ये हो गए आपके राज्य के कुल मेंबर यानी कि राज्य राज्य विधानसभा के कुल सदस्य यानी कि एमएलए, और गुणा 1/1000 से उसकी गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये, तो पहले 10 यानी कि एक एमएलए की वोट वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, तो ठीक है ना। इसी इसी टाइप से मैंने फिलहाल आपको एग्जाम्पल देकर के समझाया है। इसी टाइप से जो एमएलए होते हैं जो विधायक होते हैं उनकी वोट वैल्यू निकाली जाती है कि एक एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्योंकि हम राष्ट्रपति को एक तरीके से क्योंकि लोग हम राष्ट्रपति को इनडायरेक्टली चुनते हैं हम लोग, तो इसमें भी ताकि जनता का ये सब कंडीशन इसलिए बनाई गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी जनता का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं से हो जाए, ठीक है ना। तो ये वही बात है, देखिए कुल जनसंख्या आ गई और कुल एमएलए आ गए और उसकी गुणा कर दी हमने 1/1000 से, ठीक है। अब देखिए सेम कंडीशन में देखिए अगर एक सांसद की वोट वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक एमपी की अगर वोट वैल्यू निकालनी है, तो उसकी कंडीशन देखिए क्या क्या होगी दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, कुल विधायकों का मत मूल्य है, यानी कि हमारे देश में जो कुल विधायक हैं उनके मत का मूल्य, यहाँ तो हमने सिर्फ एक का निकाला था, एक विधायक का मत मूल्य निकाला था, हमारे देश में कुल विधायकों का मत मूल्य जैसे कि मैं आपको बता दूं हमारे देश में कुल 4,120 एमएलए है, ठीक है ना, तो यानी कि 4,120 एमएलए का मत का मूल्य है अपॉन में निर्वाचित सांसदों की संख्या, यानी कि कुल विधायकों का मत मूल्य यानी कि 4,120 जो विधायक है इनका मत मूल्य कितना है वो, और निर्वाचित सांसदों की संख्या जो सांसद इलेक्ट होकर आते हैं जो कि चुनाव लड़ के आते हैं वो उनकी संख्या कितनी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं लोकसभा में ऐसे कितने हैं सांसद, 533 हैं, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं नॉमिनेट जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, यानी 533 ही देते हैं, तो 533 जो एमपी हमारे लोकसभा में मिलते हैं और 233 एमपी हमको किसमें मिलते हैं राज्यसभा में, तो कुल मिलाकर कितने एमपी हो गए, 776 एमपी हमारे देश में, ठीक है। तो ये बस 4,120 सांसदों के सॉरी एमएलए के की जो वोट वैल्यू होगी वो जो कुल एमपीज हैं उनकी संख्या से हम इनको डिवाइड कर देते हैं, तो इस टाइप से एक सांसद की वोट वैल्यू हमको मिल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको इसमें इतना बता दिया यानी कि हमने कवर कर लिया है अनुच्छेद 55 तक कवर कर लिया दोस्तों, इसकी बाकी के जितने भी अनुच्छेद हैं मैं इसको आपके आपको इसको अगली वीडियो में पूरी पूरी डिटेल में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको राष्ट्रपति संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रख दीजिए, धन्यवाद।